यार ये क्या कर दिया तूने। है यार क्या हो गया भाई? क्या कर दिया मैंने? क्या यार, बोलेगा कुछ कि नहीं बोलेगा? है ये सब क्या है? क्या है मतलब? कार्डबोर्ड है तेरे हाथ में, तुझे पता नहीं है इतना? यार तू तो इतना बड़ा हो गया, तुझे ये नहीं पता कार्डबोर्ड है ये? ओ गॉड, मैं क्या करूं तेरा? वो तो मुझे भी पता है कार्डबोर्ड है ये। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों खोला भाई ये? क्यों अनबॉक्स करा? मुझे इनकी वीडियो शूट करनी थी, मुझे इनकी इतनी गुस्सा आ रही ना मुझे तो उस पर, अनबॉक्सिंग शूट करनी थी मुझे इनकी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं तू अनबॉक्सिंग वगैरह करता है। तू एक यूट्यूबर है, तू अनबॉक्सिंग दिखाएगा अपने सारे व्यूअर्स को? है मैं तो गधा हूँ। हाँ वो तो तू है, कोई नई बात बता। कर मरने की जरूरत नहीं ज्यादा मेरे सामने, ठीक है? इसमें पड़ी है वीडियोस जो मैंने शूट करी थी इनकी अनबॉक्सिंग की। कर ले बैठ के एडिटिंग और वॉइस ओवर जो भी क्या फलाना ढिकाना करता रहता है तू, कर ले। बेटे ये वीडियो में एडिटिंग और वॉइस ओवर तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे लग रहा है तेरी एडिटिंग मुझे किसी दिन करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो आइंदा से कोई चीज़ छूने की जरूरत नहीं बिल्कुल मेरी। आगे बात समझ में कर रहा है, दिमाग खराब कर दिया। नहीं तो चल ओके सो फाइनली एडिटिंग। क्यों हिला रहा भाई, मत हिलाना। सॉरी हाँ सॉरी भाई, खुल जी हाँ मत मत खुल हिलाइयो। जी। हाँ तो फाइनली एडिटिंग, वॉइस ठीक ओवर ठीक और बाकी सब चीज़ें तो हो चुकी हैं। और वीडी भाई मत हिला भाई, तू इधर आ जा। अब ठीक है, अब तो चैन में, अब तो परेशान नहीं करेगा ना। हाँ अब ठीक है भाई, मेरे मान जा, वीडियो बना अरे लेंगे। यार तू डकार भी नहीं लूँ हाँ है? तो चुप रहिए बिल्कुल। हाँ ठीक है, बिल्कुल चुप रहूँगा। ओके सो फाइनली वीडियो एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर सब कुछ हो चुका है। वीडियो जो है तैयार है बनाने आपको दिखाने के लिए। तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप है और मिस्टर वी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज की इस और वीडियो में, मेरी मेरा इंट्रोडक्शन हाँ भाई तेरे तो इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तू तो पता नहीं कौन है, तू तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरी और वीडियो में। क्या, जो तेरे इंट्रोडक्शन अभी क्या तो कर रहा हूँ? ऐसे सॉरी यार। ओके सो यार इसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। सो हाँ फाइनली जो वीडियो है वो रेडी है देखने के लिए। तो एज ऑलवेज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप है और मिस्टर वी के इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हमारे इस चैनल की सबसे पहले ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग। इस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग होगी, लेकिन जैसे ही मैं इस ट्राईपॉड को यूज़ करता जाऊँगा धीरे धीरे, और मुझे भी पता चलता रहेगा इस ट्राईपॉड में क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं, मुझे उसके पता बेसिस है, पर मुझसे आपको पूछ लिया आगे कर। एक रिव्यू भी मिलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है आपके वर्थ टू बाय है या नहीं, आपके ख़रीदने के लिए अच्छी है या नहीं। तो वो देखना वीडियो जरूर थोड़ी वीडियो। बाद में आएगी। और अनबॉक्सिंग के साथ, ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको जो है ठीक एक है सर, मोबाइल होल्डर की अनबॉक्सिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि मैंने इसके साथ ही ऑर्डर किया था अमेजोन से। खैर वो एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी अनबॉक्सिंग तो बनती है यार, ख़रीदा है बिल्कुल चैनल के बनती, लिए कोई बिल्कुल चीज़ बनती, तो बिल्कुल बनती अनबॉक्सिंग तो बनती है। है। सही बात है, खैर वह टाइम तो ज़्यादा खराब करते नहीं है। सही हाँ मैं बात है। आपको बता दूं यार, बाहर में इस वक्त छत पे इस वजह से, क्योंकि यार आज आसमान में थोड़े बादल हैं, और ये भी परेशान कर रहा था, ये कह रहा था चल ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो इस वजह मैं से लाइटिंग की कंडीशंस भी झूठा थोड़ी ठीक नहीं थी रूम में, तो इस वजह से हम ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ऊपर परेशान तो ये ऊपर भी करता है, मेरे को वीडियो चप्पल बनाने नहीं देता। मारूं? खैर आप क्या इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, मेरी भी इस फालतू की बातों पर ध्यान दीजिए। हाँ देखिए जल्दी से फालतू की अनबॉक्सिंग बातें पे करता हूँ मैं चलते तो। हैं, अनबॉक्सिंग की तरफ जल्दी से। हमारे पास हमारा मोबाइल होल्डर का बॉक्स, और ये जो मैंने डायरेक्टली अमेज़ॉन से बाय किया है, और यहाँ पर अमेज़ॉन प्राइम की एडवर्टाइजमेंट की टेप यहाँ पर लगी हुई है। खैर ये सब देखते रहेंगे, पैकेजिंग कोई ज़्यादा खास नहीं है, सीधे चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और करते हैं अनबॉक्स। तो ये अनबॉक्स करने के साथ बीच में हमें मिला है एक पेपर, जो कि पेपर पे सेलर का एड्रेस, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलता है, जो कि कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। खैर बाकी की अनबॉक्सिंग करते हैं।
तो यहाँ पर अनबॉक्स करने के बाद अगर आप खोलते हैं पैकेट को, तो यहाँ पैकेट में आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिलता है। प्लास्टिक के एक रैपर में जो है आपको मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी लिखा हुआ है ब्लैक कलर से, और ब्लैक कलर का आपको मोबाइल होल्डर मैंने यहाँ पर किया था ऑर्डर, तो ब्लैक कलर का यहाँ मिला है। खैर खोलते हैं इसे और एक मिनट ज़रा होल्डर को रखते हैं साइड में, और यहाँ पर फेसबुक पेज है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ईओएस एनहेंस योर लाइफ, और इसकी वेबसाइट भी दी है www.ef.com। फ़ोन केसेस, टैबलेट केसेस, माउंट्स और एक्सेसरीज वगैरह बनाती है फिटनेस की। आप चाहे तो इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नेट क्वान्टिटी 1 यूनिट, ऑब्वियसली मैंने एक ही यूनिट मंगाई थी इसकी। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर MSRP दी हुई है 299, लेकिन ये गलत है। 199 में मैंने इसे अमेजोन से बाय किया था, इम्पोर्टेड बाय दिल्ली मॉल, दिल्ली मॉल से इस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट किया है, और बाकी कोई ज़्यादा खास पैकेजिंग नहीं है। तो यहाँ बढ़ते हैं हमारे मोबाइल होल्डर की तरफ से। यहाँ पर ब्लैक कलर का मोबाइल होल्डर है, ऊपर क्लिक कर आपको रबर की अच्छी खासी ग्रिप मिलती है, और ये उसकी ब्रांडिंग वाइट कलर की जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और नीचे की साइड जो है आपको देखने को मिलता है 1/4 इंच का ट्राइपॉड माउंट। और ऑब्वियसली मेरे पास DSLR नहीं है, मैं फ़ोन से यूज़ करता हूँ, तो ऑब्वियसली फ़ोन में इसमें लगाऊंगा। ओके, तो फाइनली हमने अपना मोबाइल होल्डर तो अनबॉक्स कर लिया, लेकिन जिस मेन रीज़न की वजह से वीडियो बनाई थी, जो कि है हमारा ट्राईपॉड, उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैकेजिंग के ऊपर आपको एक वाइट कलर का पेपर चिपका हुआ मिलता है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन है आपका, हमारा, मेरा एड्रेस है, और पैकेजिंग के लिए यहाँ पर टेप यूज़ की गई जिस पे है एडवर्टाइजमेंट अमेजोन प्राइम का। मैं प्राइम मेंबर नहीं हूँ, आप हैं, नीचे पूछा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। खैर बढ़ते हैं वीडियो में, भटकेंगे नहीं और अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। कार्डबोर्ड को खोलते हैं, काटते हैं। ओके, तो फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद जो है हमारा ट्राईपोड जो वो बाहर आ चुका है इस कार्डबोर्ड से, और जो नीचे कार्डबोर्ड में आपको एक पेपर देखने को मिलता है, जो पेपर में वही सेंडर्स एड्रेस, जो जिसने जो सेल करता है इस प्रोडक्ट को, उसका एड्रेस वगैरह, GST रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सब कुछ टोटल मिला के जो पूरा बिल है वो है। और कार्डबोर्ड फेंकते हैं एक साइड में और देखते हैं हमारे ट्राईपोड के बॉक्स को। तो बॉक्स में जो है सबसे फ्रंट में आपको देखने को मिलता है फोट्रोन इंस्पायरिंग और क्रिएटिविटी। जो मॉडल है हमारे ट्राईपॉड का वो है STEADY 450, और जो लोगो है वो कुछ अजीब सा, कुछ गूगल पिकासा से रिजेंबल करते हुए इनका लोगो है, और साथ ही बैग इंक्लूडेड, 4.5 फीट की मैक्सिमम हाइट, लाइफ टाइम क्वालिटी वारंटी, और 1 एक्स्ट्रा रिलीज प्लेट देखने को मिलती है। एक ये हाईलाइट्स हैं जो कि आपको बॉक्स के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, और बाकी नीचे अगर हम देखें तो ये आपको एक फुल पिक्चर देखने को मिलती है ट्राईपॉड की, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये लोगो वही पिकासा जैसा। और साथ ही यहाँ पर नीचे कुछ बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपर्पज़ हेड विद क्विक रिलीज, 3-वे पेन हेड, बबल लेवल, फोम ग्रिप, गियर एलिवेटर हैंडल एंड फ्लिप लॉक, इस तरीके के जो कुछ आपको देखने को मिलते हैं। और बस यहाँ पर इधर इस तरह साइड घूमें तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली टेप चिपक चुकी है, अमेजोन प्राइम ने जो है काम खराब कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ की हाइलाइट्स हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए साथ में वीडियो के, और मैं बताऊंगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ट्राईपॉड की दूंगा। और खैर बात तो बहुत हो गई, खैर खोलते हैं हमारे अपने कार्डबोर्ड वाले बॉक्स को, फोट्रोन के बॉक्स को। तो यहाँ बैग खोलने के बाद ही जो है हमें यहाँ ब्लैक कलर का एक बैग देखने को मिलता है, ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ था बैग इंक्लूडेड, तो ये वो बैग है जो कि आपको अपने ट्राईपॉड के साथ मिलता है। यहाँ पर ब्रांडिंग भी है, ब्लैक बैग के ऊपर व्हाइट कलर का फोट्रोन इंस्पायरिंग योर क्रिएटिविटी, और बैग को खोलते हैं जल्दी से, उसमें अंदर हमें मिलेगा हमारा ट्राईपॉड। तो जो बैग है उसे खोलने के बाद जो ट्राईपॉड है वो जिस तरीके दिखता है, पानी में है भाई। तो ये भाई ये पॉलीथीन के अंदर है, बैग की क्वालिटी ऑब्वियसली कोई ज़्यादा खास नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छा बैग नहीं है, लेकिन दिया है वही बहुत अच्छी बात है। खैर पन्नी को हटाते हैं हमारे पॉली बैग को और देखते हैं, तो हमारा जो ट्राईपॉड है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो एक्चुअल में जो ट्राईपॉड है वो दिखने में कुछ इस तरीके का। एक्स्ट्रा रिलीज प्लेट भी आप साथ में यहाँ देख सकते हैं, तो वो इस तरीके से खुल जाता है। खैर अब बढ़ते हैं, तो फुल ओवरऑल मॉडल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ जो पूरा ट्राईपॉड है वो बना है एल्यूमिनियम से, तो काफ़ी हल्का है, तो ऐसे में जो है अगर आप भारी चीज़ माउंट करते हैं तो ऐसे में कुछ ना झेल पाए ऐसा हो सकता है। फोम ग्रिप आपको देखने को मिलती है, कुछ हैंडल भी देखने को मिलता है, गियर एलिवेटर हैंडल है यहाँ पर, और बस दिखने में कुछ ऐसा है ट्राईपॉड। और की हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम हाइट जो इस ट्राईपॉड की देखने को मिलेगी वो मिलेगी 4.5 फीट की, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और मिनिमम हाइट जो है वो इसकी जो लेग्स वगैरह वो बिल्कुल शॉर्ट करने के बाद नेक को बिल्कुल
शॉर्ट करने के बाद जो लेंथ होगी वो होगी 495 मिलीमीटर्स की। ट्राईपॉड का वेट जो है वो मात्र 700 ग्राम का है, तो काफ़ी हल्का है। एल्यूमिनियम से बना तो ऑब्वियसली हल्का तो होगा ही। मैक्सिमम लोड जो ये झेल सकता है वो है 2.75 kg। तो ऐसे में DSLR वगैरह आप काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बाकी कुछ सस्ता ट्राईपॉड है महंगे DSLR को गिरा सकता है। लेकिन पेन आगे बढ़ते हैं, पेन हेड जो है यहाँ पे थ्री वे पेन हेडिंग आपको देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूँ, ये ट्राईपॉड है वो मैंने ख़रीदा था 999 रुपीज़ का। तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक आपको स्पेसिफिकेशंस यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और बाकी जो ये है वो बबल लेवल, जिससे कि आप पता लगा पाएंगे आपका जो कैमरा है वो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल प्रॉपर वे में शूट कर रहा है या नहीं। बाकी अब ये कुछ स्क्रूज़ हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। चार स्क्रूज़ हैं, लेकिन पेन हेड जो है वो तीन ही है। तो इस स्क्रू को रिलीज़ करने के बाद आज जो है आपको इस तरीके का मूवमेंट मिलता है, और स्क्रू को टाइट कर देते हैं ज़रा और बढ़ते हैं हमारे इस सेकंड स्क्रू की तरफ। तो सेकंड स्क्रू दरअसल ये हमारा गियर एलिवेटर हैंडल ही है, जिसे यूज़ करने से हमें इस तरीके का एक मूवमेंट देखने को मिलता है हमारे ट्राईपॉड में। और इसे टाइट करने के बाद जो ऑब्वियसली ये वाला मूवमेंट जो है वो लॉक हो जाता है इस तरीके से। जो आप अगर लूज़ कर टाइट कर देंगे तो ये जो है लॉक हो जाएगा बिल्कुल। और जो तीसरा स्क्रू है ये काफ़ी यूज़ होता है, इसे अगर आप लूज़ करते हैं, लूज़ करने का लेट मी लूज़ इट, तो लूज़ करने के बाद कुछ इस तरीके का मूवमेंट मिलता है, जो कि बी रोल्स में आपके काफ़ी काम आता है। सबसे ज़्यादा इस मूवमेंट को यूज़ किया जाता है बी रोल्स के लिए। इस वीडियोज में भी आप थोड़े बहुत देख सकते हैं, शायद बी रोल्स देखने को मिलेंगे आपको। और ये जो फोर्थ स्क्रू है वो दरअसल कोई भी पेन हेडिंग के लिए नहीं है। इसे लूज़ करने से होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लूज़ करते हैं ज़रा इसे, लूज़ करने के बाद जो है आप इस स्क्रोल को घुमाएंगे तो होगा क्या कि इस स्क्रू को घुमाने से जो है आपके ट्राईपॉड की नेक जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, और इसी की वजह से जो है 4.5 फीट का ये टोटल हो पाता है इसी की वजह से। और अगर आप खाली लेग्स को एक्सटेंड करेंगे तो वो फुल हाइट जो है अचीव नहीं होगी 4.5 फीट की। और जो है फुल एक्सटेंड होने के बाद इसकी नेक कुछ इतनी लंबी हो जाती है। और अगर आप देखेंगे कि गौर से तो ये हिलता है, ऑब्वियसली मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हिल रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको फोर्थ स्क्रू को वापस टाइट कर देते तो आपको जो नेक है वो हिलना बंद हो जाएगी। और ये जो क्विक रिलीज प्लेट है वो कुछ इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं, और आपको यहाँ दो देखने को मिलती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतने। आई होप आप हमारे अपने इस चैनल के पहले ट्राईपॉड से बहुत खुश होंगे। अगर आपकी वीडियो जरूर पसंद आई हो तो जेनुअनली पसंद है, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिस दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, और साथ ही साथ बराबर मिलेगा एक बेल आइकन, जैसे दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। और यह वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक का बटन भी आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन एक शर्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कि मैं वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट्स करूँ, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि आपको वीडियो जो है अगली बार जो आप वीडियो में आए मेरे चैनल पर आए तो बेशक वीडियो पे लाइक ठोके। तो इसके लिए ज़रूर फीडबैक तो ज़रूरत है ही है, इसके लिए नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मुझे क्या करना, इम्प्रूव करना है, क्या वीडियो में खामियां हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। और यार आप सोच रहे होंगे कि ये बराबर वाला कहाँ चला गया, मेरा हमशक्ल जो है वो भी कहाँ चला गया, तो मैं आपको बता दूँ यार वो हल्का होने गया है। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए, वैसे परेशान करते रहता है मेरे को। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, लाइक क्या यार बार बार लाइक कर रहा हूँ मैं, तो लाइक कीजिएगा। वीडियो बस इतना ही है, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए भाई। हाँ, टंकी में पानी खत्म हो गया, समर चला आया, दूंगा कैसे मैं यार, दिक्कत में हूँ। हाँ भाई आ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय। भाई ओ, पौने तीन बार फ्लश करी, बास आ रही है, बहुत कर रही है।